हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी है। मैं मैक्डोलोफेशियल सर्जन, फेशियल प्लास्टिक सर्जन, सरयू क्लिनिक्स पे हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की कॉस्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ जिस चीज़ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपेंड करती है वो है कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट, कितनी नंबर हम लगाने चाहते हैं, कितने पेशेंट के ऊपर ज़रूरी है। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि पेशेंट का बाल्डनेस लेवल, जो उसका गंजापन है, वो किस ग्रेड का है। जो ग्रेड गंजापन का हम डिसाइड करते हैं वो नॉरवुड क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 के बीच में पेशेंट को हम देखते हैं कि उसका ग्रेड का बाल्डनेस का ग्रेड कितना ज़्यादा है और कितना है, उसके हिसाब से नंबर ग्राफ्ट के डिसाइड होते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है जिस पे हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत, जो कॉस्ट है, वो डिपेंड करती है, वो है टेक्निक। किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं। अगर मरीज का गंजापन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके लिए FUE टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक अच्छी रहती है, जिसमें कि बहुत ही कम पेशेंट का खर्चा भी आता है और पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद की केयर करनी होती है वो कम होती है। अगर पेशेंट का बाल्डनेस लेवल, गंजापन ज़्यादा है, उसके लिए हम फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट फॉर FUT टेक्निक प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि FUE के कंपैरेटिवली उसके मुकाबले ज़्यादा ग्राफ्ट निकलते हैं सर के पीछे से और उसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है। अगर पेशेंट का बाल्डनेस लेवल, गंजापन बहुत ही ज़्यादा है और वो बार बार ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता, उस कंडीशन में हम FUT प्लस FUE और प्लस BHT बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, तीनों टेक्निक का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ सरयू क्लिनिक पे एक ही दिन में गीगा सेशन के तौर पर कंप्लीट किया जाता है, जिसमें टोटल 6 से 8 घंटे लगते हैं। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है जिस पे हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की कीमत और प्राइस डिपेंड करता है, वो है आपके डॉक्टर। आपके डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सर्जरी का उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या वो सर्जरी की डिग्री है उनके पास, वो सर्जन है कि नहीं है, और इसके अलावा उनके जो किए हुए मरीज हैं, उनके बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, और उनके पुराने पेशेंट से आप मिलके उनके बालों को देखकर, उनकी डेंसिटी और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क को देखकर ही डिसाइड करें कि आपको किस डॉक्टर को चूज करना चाहिए। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की कीमत को डिसाइड करने का, वो है क्लिनिक की लोकेशन। क्लिनिक शहर के बीचों बीच में है कि नहीं है, कि शहर के बाहरी एरिया में है। क्लिनिक किसी मेन शहर में, जैसे दिल्ली, बम्बई, ऐसे बड़े शहरों में है कि छोटे शहरों में है, इन सब चीज़ों पे हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत डिपेंड करती है। और आपका जो क्लिनिक है वो प्रॉपर वेल इक्विप्ड है कि नहीं है, वहाँ पर हर तरीके की सुविधा है कि नहीं है, वहाँ पर पेशेंट को केयर करने की सुविधा है कि नहीं है, बैकअप है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि कॉस्ट फैक्टर को डिसाइड करती हैं। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की कीमत को डिसाइड करता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद जो फॉलो अप बूस्टर पैकेज दिए जाते हैं क्लिनिक की तरफ से, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्लिनिक की तरफ से आपको PRP या मीजोथेरेपी या LLLT के सेशंस आपको दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, क्या वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट पैकेज के अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ सरयू क्लिनिक्स में हम जो कई तरीके के पैकेज बनाते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ में हम PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए और उनकी मजबूती के लिए, आगे भी उनकी लंबे समय तक टिके रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा LLLT लो लेवल लेज़र थेरेपी, मीजोथेरेपी, इसके अलावा कई और स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट हम जो आपके पैकेजेस में ऐड करते हैं, जिससे कि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। जनरली जो माना जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल 3 से 4 साल बाद कम हो जाते हैं या गिरने लग जाते हैं, अगर आप ये फॉलो अप पैकेजेस लेते हैं और आपके
क्लिनिक में ये पैकेजेस मिल रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल 10-15 साल तक कहीं भी नहीं जाते। और इसके अलावा जो आपके पुराने जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो भी बालों की मजबूती इनसे बनी रहती है। सो गाइस, दैट्स ऑल द नॉलेज फॉर टुडे। सो लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।